हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट मी इन्फॉर्म। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन DSSSB यानी कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर कई तरह की पोस्ट के लिए 1841 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसी नोटिफिकेशन को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। DSSSB ने कई सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके अंदर TGTs, PGTs, असिस्टेंट, असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, लैब असिस्टेंट, टेक्नीशियन और भी कई सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो अगर आप दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ज़रूर एक बार ये नोटिफिकेशन जाकर चेक करना चाहिए DSSSB.delhi.gov.in पर। इस वेबसाइट पर जाकर आपको इसके अंदर जितनी भी पोस्ट हैं उनकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी और उसी हिसाब से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है, जिस दिन से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो 17th of August 2023 रहने वाली है। और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने की, वो 15th of September 2023 रहने वाली है। इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो फीस रखी गई है वो जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ रखी गई है। इसके अलावा SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 0 रुपीज़ फ़ीस है, कोई फ़ीस नहीं देनी है। इसके अलावा हर कैटेगरी की फ़ीमेल कैंडिडेट्स को भी इसके लिए कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर कुछ पोस्ट और उनकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है म्यूज़िक टीचर के लिए, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आती है। ये ग्रुप बी की जॉब रहने वाली है, जिसके अंदर टोटल 182 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से जनरल कैंडिडेट्स के लिए 69 वैकेंसीज़ हैं, OBC के लिए 54, SC कैंडिडेट्स के लिए 18 वैकेंसीज़ हैं, ST के लिए 23, EWS कैंडिडेट्स के लिए इसके अंदर 18 वैकेंसीज़ हैं। इस तरीके से टोटल 182 वैकेंसीज म्यूज़िक टीचर के लिए हैं। उसी तरीके से TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, ये भी ग्रुप बी की जॉब है, इसके अंदर टोटल 581 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद पब्लिसिटी असिस्टेंट के लिए एक ही वैकेंसी है, फोटोग्राफर के लिए ग्रुप सी की जॉब है और 3 वैकेंसीज़ इसके अंदर दी गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सर्विलेंस वर्कर की, तो ये न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर आता है और ग्रुप सी की जॉब है, इसके लिए टोटल 13 वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जो दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट के अंदर आएगी, ग्रुप सी की जॉब रहने वाली है और इसके अंदर टोटल 11 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी। इसका जो डिपार्टमेंट है वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, ग्रुप बी की जॉब रहने वाली है, टोटल 5 वैकेंसीज इसके लिए निकाली गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स। इसका डिपार्टमेंट भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ही है, ये भी ग्रुप बी की जॉब है और इसके लिए भी टोटल 5 वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसी तरीके से और भी कई सारी पोस्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिनको आप DSSSB.delhi.gov.in वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं डिटेल में। अब अगर हम बात करें इसके लिए एज लिमिट की, तो इन पोस्ट के लिए जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18, लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए ये वेरी करती है। इसी तरीके से मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स है, पर वो भी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी कर रही है। TGTs और PGTs को कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ये एज रिलैक्सेशन कुछ कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो ज़्यादातर पोस्ट के लिए बैचलर्स डिग्री की नीड है, लेकिन ये भी वेरी करता है पोस्ट के हिसाब से, जिसको आप डिटेल में चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर। एग्ज़ाम पैटर्न भी सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रहने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें म्यूज़िक टीचर की पोस्ट के लिए, तो उसके लिए 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है। टोटल 200 MCQs पूछे जाएंगे और वो 200 मार्क्स के ही होने वाले हैं। इस पेपर के अंदर 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसके अंदर आने वाले हैं सब्जेक्ट्स जनरल अवेयरनेस,
सेकेंड होने वाला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, जिसको हम आसान भाषा में रीजनिंग बोलते हैं। थर्ड सब्जेक्ट जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथमेटिक्स। और फोर्थ जो सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। फिफ्थ जो सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। इन 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि हर एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के होंगे। इसके बाद सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन होंगे जो म्यूज़िक टीचर के लिए म्यूज़िक से होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यही सेम एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग पोस्ट कोड्स के लिए अप्लाई किया गया है। जैसे पोस्ट कोड 32/23 जो म्यूज़िक टीचर की है उसके लिए ये सेम एग्ज़ाम पैटर्न है। फिर 34/23 जो किसी और सब्जेक्ट के टीचर की होगी उसके लिए भी यही सेम एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। और बहुत सारी पोस्ट के लिए यही सेम एग्ज़ाम पैटर्न है। बस जो लास्ट वाले 100 क्वेश्चन सेक्शन बी के हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, जिसका जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट से वो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से बाकी पोस्ट के लिए भी एक डिटेल एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, जिसके बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं अपने लिए, वो भी दिल्ली के अंदर। अब अगर हम बात करें इसकी सैलरी की, तो अलग अलग पोस्ट के लिए सैलरी, जैसे कि अगर बात करी जाए म्यूज़िक टीचर के बारे में, तो उसके अंदर जो सैलरी है वो 52-55,000 से स्टार्ट होगी और प्रमोट होकर सैलरी बढ़ती जाएगी। ग्रुप बी की जो जॉब्स जिसके अंदर दी गई हैं उनकी सैलरी लगभग 50-55,000 से ही स्टार्टिंग होने वाली है। ग्रुप सी की जॉब्स के लिए जो सैलरी है वो लगभग 30-35,000 के अराउंड उनकी स्टार्टिंग होगी। तो इस तरीके से एक अच्छी सैलरी, एक डिसेंट लोकेशन और एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई करें, प्रिपेयर करें और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके अपने लिए एक बढ़िया गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर लें। ये थी DSSB के इस नोटिफिकेशन को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। थैंक यू।